दोस्तों हम ये तो जानते हैं कि हमारी पृथ्वी के ऊपर क्या है, लेकिन क्या आपको पता है कि हमारी पृथ्वी के अंदर क्या है? हमारी पृथ्वी के अंदर कहाँ तक मैटर है, कहाँ तक लिक्विड है, अर्थ के कोर भाग में क्या है, वो कितना गहरा है या कितना बड़ा है? और ये सबसे भी बड़ा सवाल कि हमें ये पता कैसे चला कि हमारी पृथ्वी के अंदर क्या है? दोस्तों अगर आप इन सभी सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो बने रहे इस वीडियो के साथ। मैं हूं हितेश गिरी गोसाई, आप फिर द नॉलेज के साथ, और ये वीडियो अपस्टॉक के द्वारा स्पॉन्सर की गई है। और आज हम ये जानेंगे कि जहां हम रहते हैं, जहां हम खड़े हैं, उस पृथ्वी की सतह के भीतर क्या है। चले इसे सरलता से समझने के लिए हम पृथ्वी के अंदर डाइव लगाते हैं। चलिए पृथ्वी के अंदर की यात्रा शुरू करते हैं। हम हमारी यात्रा वहां से शुरू करते हैं जहां पर हम रहते हैं। पृथ्वी के जिस भाग पे हम रहते हैं उसे क्रस्ट कहा जाता है। ये पृथ्वी का सबसे बाहरी लेयर है। ये लेयर खासकर चट्टान, खड़क और पत्थरों से बनी है, और ये पृथ्वी के अन्य लेयरों से पतली लेकिन सॉलिड लेयर होती है। पृथ्वी की ऊपरी और सबसे पतली पपड़ी के मुख्य दो भाग हैं। एक है ओशियनिक क्रस्ट और दूसरी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। दोस्तों हम पूरी पृथ्वी के डायमीटर की बात करें तो समुद्र की गहरी से गहरी जगह भी कुछ खास गहरी नहीं है, क्योंकि गहराई से गहरा समुद्र भी पृथ्वी के ऊपरी ऊपरी सतह के लेयर में ही समाप्त हो जाता है। पृथ्वी की असली गहराई तो पृथ्वी की सतह यानी कि क्रस्ट वाले भाग के बाद से शुरू होती है। क्रस्ट महासागरों और महाद्वीपों से 100 किलोमीटर की गहराई में फैली हुई है, और इस क्रस्ट का टेम्परेचर इसके अंदरूनी भागों में करीब 500 से 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। चलिए और खुदाई करते हैं और हम लोग पहुंच जाते हैं पृथ्वी की दूसरी और सबसे बड़ी लेयर में। ये है मेंटल। मेंटल 2900 किलोमीटर तक गहरी है और यहाँ का टेम्परेचर 4000 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। और दोस्तों इस मेंटल के अपर लेयर को लिथोस्फीयर कहते हैं। ये लिथोस्फीयर मेंटल और क्रस्ट के बीच वाला एक भाग होता है, और इस लिथोस्फीयर की खाली जगहों से हॉट मैग्मा ट्रैवल करके पृथ्वी की सरफेस तक पहुंचता है और वोल्केनोस के द्वारा लावा के रूप में एस्केप हो जाता है। दोस्तों लिथोस्फीयर एक सेमी लिक्विड लेयर के ऊपर तैरती है जिसे एस्थेनोस्फीयर कहते हैं। ये एस्थेनोस्फीयर भी मेंटल का ही एक ऊपरी भाग है। ये एस्थेनोस्फीयर पूरी की पूरी एक प्लास्टिक जैसे मटेरियल से बनी होती है, और इसी के कारण कभी कभी ये सॉलिड लिथोस्फीयर अपने से कमजोर एस्थेनोस्फीयर के ऊपर मूव कर पाती है। चले दोस्तों हम और खुदाई करते हैं और हम पहुंच जाते हैं हमारी अर्थ के कोर भाग में। ये हमारी पृथ्वी का कोर भाग है, और पृथ्वी का ये कोर भी दो हिस्सों में बटा हुआ है, जिसके ऊपरी हिस्से को आउटर कोर और अंदरूनी हिस्से को इनर कोर कहा जाता है, या फिर ऊपरी हिस्से को लिक्विड कोर और अंदरूनी हिस्से को सॉलिड कोर भी कहते हैं। दोस्तों कोर के पहले हिस्से की बात करें तो ये हिस्सा हमें पृथ्वी के भीतर 5100 किलोमीटर की गहराई की खुदाई के बाद मिलेगा, और ये पूरा का पूरा हिस्सा आयरन से बना है। अब दोस्तों आप ये सोचोगे कि ये हिस्सा अगर आयरन से बना है तो इसे लिक्विड कोर क्यों कहते हैं? तो दोस्तों आपको बता दूं कि इस आउटर या लिक्विड कोर का टेम्परेचर 4500 डिग्री सेल्सियस रहता है, और आयरन 1500 डिग्री सेल्सियस पे पिघल जाता है, इसीलिए ये हिस्सा लिक्विड आयरन से बना है। और दोस्तों इस आउटर कोर के कारण ही पृथ्वी पर मैग्नेटिक फील्ड्स बनी है जो हमें कंपास का आसानी से यूज करने में सक्षम बनाती है। दोस्तों यहां से और नीचे जाते ही हम पृथ्वी के बीचों बीच सेंटर में पहुंच जाते हैं, जिसे कहते हैं पृथ्वी की इनर कोर। दोस्तों पृथ्वी की इनर कोर 1200 किलोमीटर गहरी एक सॉलिड लेयर है। ये हमें सरफेस से 6500 किलोमीटर की गहराई में मिलेगी। ये सॉलिड आयरन और निकल से मिलकर बनी होती है, और यहाँ का टेम्परेचर रहता है करीब 6000 डिग्री सेल्सियस। सूरज के सरफेस का टेम्परेचर भी लगभग इतना ही होता है। अब दोस्तों आप सोचोगे कि इतने गर्म टेम्परेचर के बीच भी ये लेयर सॉलिड फॉर्म में कैसे रह पाती है? तो इस पर वैज्ञानिकों का कहना है कि ये लेयर पृथ्वी के दूसरे सारे लेयर्स के प्रेशर के कारण सॉलिड फॉर्म में रहती है। दोस्तों अब आप सोचोगे कि पृथ्वी के अंदर तक तो कोई नहीं गया, तो पृथ्वी के अंदर इतना सब कुछ है, इतने किलोमीटर्स में है और इस फॉर्म में है, ये हमें कैसे पता चला? तो दोस्तों पृथ्वी के अंदर की बनावट की स्टडी करने के लिए हम सीस्मिक वेव्स का उपयोग करते हैं। दोस्तों इस सीस्मिक वेव्स की टाइमिंग और स्ट्रेंथ हमें पृथ्वी के अंदर की बनावट बताती है। दोस्तों ये एक एनर्जी वेव्स होती है, और ये वेव्स रॉक की डेंसिटी बदलने पर ग्रेजुएट होती है और खुद की स्पीड को बदलती है। इसके अलावा दोस्तों पृथ्वी के अंदर देखने का एक दूसरा तरीका भी हमारे पास है, और जो है डीप रॉक्स की स्टडी। मतलब पृथ्वी के डीप भाग में कोर में जो रॉक्स होते हैं वो काफी बार वोल्केनिक एक्टिविटीज के द्वारा बाहर आ जाते हैं, और इन रॉक्स की स्टडी के द्वारा हमें पृथ्वी के अंदर की लेयर्स का पता चलता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको जरूरी जानकारी मिल गई होगी। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक खास बात कि आप अपने पैसे सही जगह पर इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आज ही अपस्टॉक इस लीडिंग ट्रेडिंग ऐप में अपना फ्री डीमैट अकाउंट खुलवाएं और 600 रुपए तक बचाएं। दोस्तों ये प्ले स्टोर में एक हाईली रेटेड ऐप है, इसके 1 मिलियन से भी ज्यादा डाउनलोड है, और यहाँ पर आप लाइफ टाइम फ्री डिलीवरी ट्रेड भी कर सकते हो।
यहाँ आपको मिलेंगे चार्टिंग टूल्स, 100 से भी अधिक इंडिकेटर्स, 25 गुना तक मार्जिन और 20 रुपए में इंट्राडे और एफएनओ ट्रेडिंग। और इतना ही नहीं, इस ऐप के थ्रू आप म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। तो दोस्तों, बड़ी ही आसानी से 10 मिनट में अपना अकाउंट खुलवाए। आप इस ऐप को डाउनलोड कर अगर प्रोमो कोड Upstock 300 इसे यूज करके अगर 7 दिनों में ट्रेड करोगे तो आपको फ्री डीमैट अकाउंट के साथ 300 रुपए के फ्लिपकार्ट के गिफ्ट वाउचर और 28,000 रुपए तक के अन्य बेनिफिट भी मिलेंगे। इस ऐप में आप अपने पैन कार्ड के थ्रू बड़ी ही आसानी से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाए और Upstock को जरूर डाउनलोड करें और इस वीडियो को लाइक करें, हो सके इतने कमेंट्स करें और शेयर करें। और अगर आप नए हैं तो नॉलेज को जरूर सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ध्यान रखें। टेक केयर।